नमस्ते दर्शकों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक्शन एंड थ्रिलर मूवी 118। गौतम नाम का एक जर्नलिस्ट होता है। वो जब भी पैराडाइज रिजॉर्ट के रूम नंबर 118 में सोता है, उसे एक लड़की को मारने और कार को झील में फेंकने का सपना आता है। जब दोबारा उस रूम में सोने पर उसे सेम सपना आता है, तो वो डॉक्टर आत्मराम दिवेकर के पास विजिट करता है, जो कि एक साइकेट्रिस्ट होता है। वो गौतम को बोलता है, तुम अपने सपने को इतना सीरियसली मत लो। पर कुछ गुंडे जब गौतम का पीछा करते हैं, तो गौतम उनसे बचने के लिए उसी झील के पास पहुंच जाता है और फिर वो अपने सपने में देखी हुई चीज़ों का पता लगाने की कोशिश करता है। और फिर उसको पता चलता है कि उसका सपना एक सच्ची घटना है और सच में एक लड़की का मर्डर हुआ है। बहुत ज़्यादा खोजबीन करने पर उसे पता चलता है, सपने में जिस लड़की को मरते हुए देखता है, उसका नाम आध्या है, जो स्कूल में कंप्यूटर साइंस की टीचर होती है। प्रभावती नाम के एक स्टूडेंट से उसका काफ़ी लगाव हो जाता है, पर स्कूल में हुए एक वैक्सीनेशन की वजह से उसकी मौत हो जाती है। आध्या को इन्वेस्टिगेट करने पर पता चलता है वो इल्लीगल वैक्सीनेशन था, जो अलांटा कंपनी द्वारा एक्सपेरिमेंट के लिए बच्चों पर ट्राई किया गया था और उसकी वजह से ही प्रभावती की मौत हुई थी। आद्या सारे सबूत इकट्ठे कर लेती है, पर अलांटा कंपनी का मालिक आद्या द्वारा इकट्ठे किए सारे सबूत मिटा देता है और उसे जान से मार देता है। पर गौतम डॉक्टर द्वारा बताए गए टेक्नोलॉजी से दोबारा अपने सपने में जाता है और उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। आद्या को मारकर उन्होंने पैराडाइज रिजॉर्ट में फाउंटेन के पास ही उसके लाश को ठिकाने लगाया होता है। सब कुछ पता चलने के बाद गौतम पुलिस को बुलाता है और आद्या के कातिल पकड़े जाते हैं। अलांटा कंपनी का मालिक खुद को शूट कर लेता है, क्योंकि वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब एक और बार आद्या गौतम के सपने में आती है, पर इस बार उसके चेहरे पर एक स्माइल होती है, जिससे पता चलता है कि अब उसकी आत्मा शांति में है। गौतम अचानक से उठता है, पर आद्या गायब हो जाती है और यहीं कहानी ख़त्म हो जाती है। So thank you so much for watching this video. I hope you like this video, and if you like it, please do subscribe my channel, and also let me know in the comment box. अगर आपको ऐसी short explanation videos पसंद आती है, तो मैं आगे भी ऐसी videos लेके आऊँगी। Till then, bye bye, take care and keep smiling.